आज दिनांक 20 नवंबर 2022 को श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन मंदिर बैंक इंक्लेव लक्ष्मीनगर दिल्ली में परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव का कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की सफलता का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दूर दूर से श्रावक इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे और लक्ष्मीनगर की निगम पार्षद हिमांशी पांडे जी ने भी कार्यक्रम में अपनी गौरवमयी उपस्थिति दर्ज कराई। हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे अध्यक्ष विद्यासागर जैन जी, महामंत्री संदीप जैन जी, राजेश जैन जी और समस्त कार्यकारिणी समिति बैंक इंक्लेव लक्ष्मीनगर का, जिन्होंने नमोकार चैनल को इस भव्य कार्यक्रम की कवरेज के लिए सादर आमंत्रित किया। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ झलकियां यहां पर देखें और पूरा कार्यक्रम देखने के लिए नमोकार जैन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से अपना कार्यक्रम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र। सूरज ये संदेश लाया, धरती पे उत्सव आया। वीर महावीर देखो त्रिशला नंदन आया। वीरों का वीर महावीर देखो त्रिशला नंदन आया। कुंडलपुर का वो सितारा वो वर्धमान है प्यारा। कुंडलपुर का वो सितारा वो वर्धमान है प्यारा। भक्ति का मौसम छाया देखो त्रिशला नंदन आया। का मौसम छाया देखो त्रिशला नंदन आया। क्षेत्र सुदे की तेरस जब जन्मा राज दुलारा। क्षेत्र सुदे की तेरस जब जन्मा राज दुलारा। देवी देवता ने मेरे ऊपर था अभिषेक कराया। देवी देवता ने मेरे ऊपर था अभिषेक कराया। शीतल काया करुणा सागर को बहाया। की ऐसी शीतल काया करुणा सागर को बहाया। वीरों का वीर महावीर देखो त्रिशला नंदन आया। वीरों का वीर महावीर देखो त्रिशला नंदन आया। चंदन बाला तारी तू दुखियों का है सहारा। तूने चंदन बाला तारी तू दुखियों का है सहारा। तेरी करुणा अमृत से विष चंड को शिकारा। से बना परमात्मा समता का पाठ पढ़ाया। वीरों का वीर महावीर देखो त्रिशला नंदन आया। वीरों का वीर महावीर देखो त्रिशला नंदन आया। वर्तमान की जरूरत चलो एक संग हो जाए। है
अलग है बनाए। एक है जब महावीर सुखियों ये पंथ अलग है बनाए। घर आंगन आज सजाए ये पावन दिन है आया। घर आंगन आज सजाए ये पावन दिन है आया। वीरों का वीर महावीर देखो त्रिशला नंदन आया। वीरों का वीर महावीर देखो त्रिशला नंदन आया। सूरज ये संदेशा लाया धरती पे उत्सव आया। सूरज ये वीर महावीर देखो त्रिशला नंदन आया। भक्ति का मौसम छाया देखो त्रिशला नंदन आया। सूरज ये संदेशा लाया धरती पे उत्सव आया। सूरज ये संदेशा लाया धरती पे उत्सव आया। वीरों का वीर महावीर देखो त्रिशला नंदन आया। वीरों का वो सितारा वो वर्धमान है प्यारा। कुंडलपुर का वो सितारा वो वर्धमान है प्यारा। भक्ति का मौसम छाया देखो त्रिशला नंदन आया। भक्ति का मौसम छाया देखो त्रिशला नंदन आया। सुदे की तेरस जब जन्मा राज दुलारा। चैत्र सुदे की तेरस जब जन्मा राज दुलारा। देवी देवता ने वीरों पर था अभिषेक कराया। देवी देवता ने मेरों पर था अभिषेक कराया। शीतल काया करुणा सागर को बहाया। की ऐसी शीतल काया करुणा सागर को बहाया। वीरों का वीर महावीर देखो त्रिशला नंदन आया। वीरों का वीर महावीर देखो त्रिशला नंदन आया। बंधुओं, मैं अभी बैंक इंक्लेव समिति के साथ ही हूं, तो जानते हैं इनका अनुभव कैसा रहा। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। तो बताइए, श्री जी की भव्य यात्रा बहुत समय बाद निकली है जैसा कि हम जानते हैं। ये रथ यात्रा पूरी भव्य तरीके से निकली हमारे समाज की, सारा समाज पूरा इन्वॉल्व हुआ है। ये हमारी जो रथ यात्रा है सन 1991 से निरंतर निकलती आ रही थी जी। सिर्फ 2 साल कोरोना के समय में ये यात्रा रुकी, उसके बाद से फिर ये आ रही है। और इस समय बैंक एनक्लेव और निकटवर्ती क्षेत्र में जितने भी जैन परिवार हैं सारे इसके साथ जुड़ते हैं और इसको भव्य रूप में एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। और आज भी उसी तरह उत्सव के रूप में मनाई गई है। सारा समाज इधर उधर का, बैंक एनक्लेव का तो था ही, आसपास के क्षेत्रों का भी समाज यहाँ एकत्रित हुआ और सब ने मिलकर ये खूब खुशी के साथ ये मनाई है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। सबको जय जिनेंद्र। ये बैंक एनक्लेव का जो रथ यात्रा निकलती है ये जैसे भाई साहब ने बताया 91 से निकल रही है, सिर्फ 2 साल बीच में ड्रॉप किया है और अब आगे भगवान से यही प्रार्थना है कि हर साल ये निरंतर निकलती रहे और भव्य तरीके से ही निकले। धन्यवाद। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें जानना चाहूँगी कि जैसे अलग अलग मंदिरों में अलग अलग खूबियाँ होती हैं, कहीं चांदी का रथ है, कहीं कुछ इस तरह के। हमने देखा है कि अपना जैन समाज जो है एक बहुत ही समृद्ध समाज है, तो बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो इस प्रकार से हमारे समाज का कितना योगदान रहा ये मैं जानना चाहूँगी।
योगदान तो सभी लोगों का रहा और अड़ोस पड़ोस जो जैसे जैन किशन कुंज है, लक्ष्मी नगर है और सारे समाज हमारे साथ जुड़ते हैं और यहाँ का रूप दोबारा जीर्णोद्धार हो रहा है मंदिर का और बहुत भव्य मंदिर बन के तैयार हो रहा है और श्री जी की कृपा हम सब पे बनी रहे और श्री जी की जो ये शोभा यात्रा है पिछले वर्ष के मुकाबले अब की बार और पूरी भव्यता से निकली है और इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है और हमारे जैन परिवार जुड़ते जा रहे हैं बैंक इनक्लेव से, इस बात की भी बहुत हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है और हमारा भव्य मंदिर बनता जा रहा है। जय जिनेंद्र। एक मेरे को दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक नमोकार चैनल से एक साथ में रिक्वेस्ट है जी। मंदिर पूर्ण होने में इसकी भव्यता जब निखर कर आएगी, ये जो आप इधर पर्दे वगैरह देख रहे हैं इधर दिखाओ, ये सब जब हट जाएंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी जी, जी। तो नमोकार चैनल से एक रिक्वेस्ट है, उस समय इस मंदिर जी की भव्यता पूरे समाज को दिखाएं, ये अपनी चैनल के माध्यम से सब तक ये पहुंचाएं, पूरे विश्व तक पहुंचे इसकी भव्यता। इतना भव्य और सुंदर मंदिर हम लोग यहाँ तैयार कर रहे हैं, हमारे प्रधान जी हैं विद्यासागर जैन, उनके नेतृत्व में और गुप्ती सागर महाराज के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य से ये सारा कार्यक्रम चल रहा है और हमें बड़ी खुशी है कि ये इस भव्यता का असर है कि मंदिर भी भव्य बन रहा है और शायद गुप्ती सागर महाराज जी का आशीर्वाद है कि हमारी रथ यात्रा भी बहुत भव्य निकलती है हर बार। और जैन, जैसा कि अभी हमारे महामंत्री संदीप जी ने बताया कि जैन समाज भी बैंक एनक्लेव में और ज़्यादा आ रहा है और संपन्न समाज आ रहा है और एकत्रित हो रहे हैं हम, और इसी तरह आगे आने वाले वर्षों में भी हम इसी तरह तरक्की करेंगे। अंकल जी ने बोल दिया है कि अब बहुत जल्दी ड्रोन के माध्यम से हमें डॉक्यूमेंट्री बनानी है मंदिर जी की और साथ ही में पंच कल्याणक महामहोत्सव में जो सहयोग होगा वो बढ़ चढ़कर हमने सहयोग देना है। बहुत अच्छा लगा, एक बार जोर से आप सभी बोल दीजिए महावीर भगवान की जय। Thank you.
वीर भगवान की जय। पार्षद के आइए 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 आ जाइए आप आइए ना हमारे बीच में। हमारे अपने क्षेत्र की और हमारे पड़ोसी क्षेत्र की दो पार्षद के कैंडिडेट, एक हिमांशी पांडे जी जो हमारे पड़ोसी क्षेत्र। रागा साथी सारे जगे तू न जागा, कर्म उत्तम से नर्तन ये पाया, आलसी बन के हीरा गवाया, हंस का रूप था पानी गंदा पिया, बन के कागा साथी सारे जगे तू ना जागा, बेला अमृत गया आलसी बना बन बिरागा, साथी सारे जगे तू ना जागा, सौदा घाटे का किया हाथ पाए पेरक, रोवन सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना चुकाया, सौदा घाटे का कर हाथ पाए पेरक, रोवन लागा साथी सारे जगे तू ना जागा, बेला अमृत गया आलसी बना बन बिरागा, साथी सारे जगे तू न जागा, झोलिया भर रहे भाग्य वाले लाखों पति तोने जीवन संभाले, आत्म रस में रगा आत्म ज्योति जगा बन बिरागा, साथी सारे जगे तू न जागा, बेला अमृत भया आलसी बना बन बिरागा, साथी सारे जगे तू न जागा। क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, किससे तुम डरते हो, कौन तुझे मार सकता है, आत्मा न पैदा होती है न मरती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होगा, जो होगा वो भी अच्छा होगा, भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुमने क्या लाया जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया, जो लिया यहीं से लिया यहीं से दिया, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, जो तुम्हारे पास कल था वह आज किसी का है, कल किसी और का होगा, तुम अपना मान के प्रसन्न हो रहे हो यही तुम्हारा दुख का कारण है, संसार परिवर्तनशील है, जिसको तुम मृत्यु कहते हो वह जीवन है, तुम एक क्षण में करोड़ों के मालिक हो जाते हो, एक क्षण में तुम गरीब हो जाते हो, मेरा अपना छोटा बड़ा अपना पराया ये मन से हटा दो, फिर तुम क्या हो, तुम एक अविनाशी आत्मा हो, जो कुछ है वो भगवान को अर्पित कर दो, ये तुम्हारा उत्तम सहारा है, जो इस सहारे को जानता है मानता है चिंता मुक्त तनाव मुक्त हो जाता है। जय बोलो महावीर भगवान की जय। नहीं बात अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते को तुमने उठाया नहीं, अब आंसू बहाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा, मैं मंदिर गया पूजा भक्ति करी, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की तो नहीं,
अब सिर्फ पूजा करने से क्या फायदा, मेरे सक्सन गाया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी सुन के ख्याल आ गया, जैनी कुल में हुआ जैनी बन ना सका, सिर्फ जैनी कहलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाप अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाप अमृत पिलाने से क्या फायदा। बोलो महावीर भगवान की। अब की जय। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज हमारे मंदिर जी की वार्षिक रथ यात्रा है और मंदिर जी में मूल भगवान जो है महावीर भगवान है और उनका जो संदेश है जियो और जीने दो, इसी संदेश को एक छोटे से भजन के रूप में रख रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी मेरा सहयोग देंगे और जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोल महावीर भगवान की। देखिए भीड़ इतनी है लेकिन जयकारे में मजा नहीं आया, जोरदार जयकारा हम सब अंतर मन से लगाएं, बोल महावीर भगवान की। मरते दम तक वीरा संदेश याद रखना, क्या जियो और जीने दो सबको, जियो और जीने दो सबको, मरते दम तक वीर संदेश याद रखना, जियो और जीने दो सबको, जियो और जीने दो सबको, सुख में दुख में मत भूलो तुम भगवान महावीर को, जियो और जीने दो सबको, जियो और जीने दो सबको, सब बोलिए, मरते दम तक वीर संदेश याद रखना, जियो और जीने दो सबको, जियो और जीने दो सबको, सुख में दुख में मत भूलो तुम भगवान महावीर को, जियो और जीने दो सबको, 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 बोल महावीर भगवान की जय। चौबीसों भगवान की जय। जियो और दीने दो सबको, ये भगवान महावीर का संदेश अपने देश में सबसे पहले पकड़ा गांधी जी ने, अहिंसा, और उसके बाद हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व आया है आदरणीय मोदी जी के रूप में जो अहिंसावादी भी हैं और जियो और जीने दो सबको, सबका साथ सबका विश्वास, सबको जीने दो, सुख से जीने दो, ये उनकी धारणा रहती है। हमारे बीच में मोदी जी की ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दो कैंडिडेट, अभी हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने हैं, हमारे क्षेत्र से हमारे एरिया बैंक एनक्लेव जिसमें आता है वहाँ से अलका राघव जी हमारे बीच विराजमान है और हमारे पड़ोसी क्षेत्र से बहन हिमांशी पांडे जी विराजमान है। मैं इन दोनों को आमंत्रित करता हूँ, कृपया हमारी इस छोटी सी मंच तक आए। और हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं इनका स्वागत करके, इनका सम्मान करके। इधर इधर जी, इधर इधर।
मैं अलका राघव लक्ष्मी नगर से प्रत्याशी, निगम ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा भार सौंपा है, तो मैं आपको यहाँ पर सभी के सामने एक आश्वासन देकर जा रही हूँ कि अगर मैं जीत कर आई तो आपके आपने जो जनप्रतिनिधि से आपकी अपेक्षा रहती है हमेशा से और रहनी भी चाहिए क्योंकि आप लोग हमें जिता के लाते हैं, तो मैं उसे पूरा 100% करने की कोशिश करूंगी। बाबूजी लोग मेरे सामने खड़े हैं, बहुत छोटी हूँ इनसे, इनसे सीखूंगी, आपके साथ मिलकर काम करूंगी, यही आश्वस्त करके जा रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। मंदिर में पूजा का समय है, राजनीति करने का समय नहीं है, एक आध्यात्मिक वो चल रहा है, बहुत पॉजिटिविटी है, बोला भी नहीं जा रहा मुझसे, तो आपको आश्वासित करके जा रही हूँ कि जो आप कहेंगे आपके साथ मिलकर चलूंगी, आपका पूरी तरह से साथ दूंगी। बहुत धन्यवाद अलका जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ ईमान जी। ईमान जी, सभी को जय जिनेंद्र। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दोबारा उसी क्षेत्र से दोबारा प्रत्याशी बनाया है। मैं हिमांशी पांडे 201 ललिता पार्क वार्ड से। आज पहली बार आना नहीं हुआ है, पिछले 5 साल से अगर 100 प्रोग्रामों में गई हूँ तो कम से कम 90 प्रोग्रामों में मैं जैन समाज के आई हूँ। और मुझे कुछ लोग कहने लगे थे, हिमांशी जी आप तो अपना नाम बदल के ना आगे लगा लीजिए। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, आप सबका बहुत प्यार आशीर्वाद मिला है 5 साल। बहुत सारी चीज़ों पे खरी उतर पाई या नहीं पाई, मगर अगर गलती हो तो बिटिया समझ के माफ़ कर दीजिएगा। फंड की भारी कमी से कुछ चीज़ें रह गई हैं, पर यकीन मानिए वादा करती हूँ कि मेरे क्षेत्र में जो चीज़ें रह गई उसको अब मोदी जी के द्वारा, उनके प्रयास से, उनके आशीर्वाद से, अब रुके हुए फंड बहुत ही आराम से हमें मिलेंगे और क्षेत्र का विकास हो सकेगा। तो मैं बस यही इसी आशीर्वाद के साथ आपके सामने सभी अपने बड़ों से, जिन्होंने मुझे 5 साल बहुत प्यार मान सम्मान दिया, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली अपने बड़ों से, और इतनी कम एज में सबसे छोटी निगम पार्षद होने के नाते मुझे इतना सबका लाड मिला है। और जब हक से बोलते हैं ना हिमांशी इधर आ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपकी बेटी हूँ, अपनी बेटी पे आशीर्वाद रखिएगा। दोबारा से अपने क्षेत्र के लिए एक बार आप सबसे अपील करती हूँ, जो भी जहाँ रहते हैं चाहे इधर या उधर, पर आपकी चर्चा, आपका प्यार मुझे वोट के रूप में 4 दिसंबर के रूप मिले, यही आशा करती हूँ। आप सबको यहीं अपनी बात विराम करके एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए महावीर भगवान की जय। भगवान महावीर जी ने कहा है जैसे जियो और जीने दो, और हमेशा समाज में अपनी हर चीज़ को खुशबू बिखेरते हुए, मुस्कुराहट बिखेरते हुए आगे बढ़ते रहें और एक दूसरे का सहारा बने। मुझे लगता है यहाँ भी आज बच्चों को आपकी ज़रूरत है, आपका प्यार आशीर्वाद मिले, अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभी कूपन आपके हाथ से निकलवाते हैं, कूपन निकलाएंगे, चलिए पहले कूपन निकालेंगे, एक मिनट पहले बोलो खासी का बोलो। देखिए इन्होंने जो बोल दिया उसके सामने तो मुझे कुछ बोलना नहीं है, दोनों हमारी बच्चियां हैं, ये अगर आगे बढ़ती हैं तो गर्व हमें होता है। और आप लोगों से भी यही निवेदन है कि इनकी उस समय वोट के रूप में मदद कीजिए। अब आज की रथ यात्रा के लिए, जैसा कि आपको पता है कि उसमें जो सवारियां बैठती हैं श्री जी के साथ, उनकी अब हम वो कूपन निकाल रहे हैं। पहला कूपन है खवासी के लिए, जो श्री जी को साथ लेकर के भगवान में साथ लेकर बैठते हैं, खवासी के लिए निकालो सर, आप उठवाइए जी, आप भी लगा लो हाथ, नहीं एक से एक, कोई भी एक, कोई बात नहीं, अगला इनसे बोलो जी, नंबर इनको दे दो, आप पढ़वाइए। क्या नंबर है? परवीन जैन 104 बैंक एनक्लेव। परवीन जैन 104 बैंक एनक्लेव। जय हो जय हो जय हो, आइए आइए आइए, आ जाओ आ जाओ, मुबारक हो भैया आपको। वो आ गए ना परवीन जी, आ गए ना, ये आओ लो जी, धोती दुपट्टा पहन के अभी साइड में हो जाओ, अभी पाने ना, ये आपका अभी
हाँ जी, दूसरी बोली है, दूसरी है सारथी की, दो नहीं दो इंद्रों की है ना? सारथी पहले, चलो सारथी करो, सारथी जो भगवान का रथ चलाएंगे, अलका जी चलाइए उसको। नवीन जैन, प्रवीण जैन, 224 बैंक एनक्लेव, 224 बैंक एनक्लेव, नवीन जैन, प्रवीण जैन, नहीं वो नहीं है भाई, वो दूसरे हैं, दूसरे वो दूसरे हैं, 224 महेंद्र जी के लड़के हैं, नहीं महेंद्र जी कहां से, 224 से कोई है जी, नंबर नंबर कूपन नंबर तो कुछ नहीं होता। प्रदीप जैन, 140 बैंक एंगले, आगरा वाले, आओ जी आगरे वालों, प्रदीप जी है उनके उनके घर से है कोई, प्रदीप जी के यहाँ से है कोई, कोई नहीं है, चलो तीसरा निकालो और निकालो, नीचे नीचे अलका जी सबका टेस्ट ले रही है, कौन कितना कर्मठ है, नहीं कौन कितना कर्मठ है वो टेस्ट ले रहे हो आप। आकाशदीप जैन, 123 बैंक एनक्लेव, आकाश जी 123 है कोई, अच्छा इनका है क्या, ऐसे आ जाओ ऐसे आ जाओ, उसकी जरूरत नहीं है, आप आ जाओ, चलो देखो सारथी की बोली, देखो भगवान जी को लेके चलेंगे, हाँ कोई कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, आपका है ना, हाँ जी दुरानी का है, हाँ वो कोई बात की बात है, परिवार वो उनको भेज देना, अभी अभी आ जाए, बस बुला लीजिए, दो तीन दफा अभी रथ यात्रा, हाँ जी चाची कुबेर सारथी के लिए है, सारथी के लिए हो गई ना, तो इनको बता दो सारथी के लिए, भगवान जी का रथ लेके चलेंगे सारथी के लिए, अब एक तीसरी है कुबेर के लिए, विजय जैन, ज्ञान कुंज, आओ जी आओ, इधर खड़ी है मैडम, अभी आई थी, ये खड़े हुए क्या हमारे साथ कौन है, विजय जी विजय भाई आओ भाई आओ, दोनों आओ जी आओ, ज्ञान बांटो ज्ञान कुंज वालों, ये आ गए ये आ गए, आओ जी आओ, देखो कुबेर बना दिया, आप कुबेर है, कुबेर आओ दो जी, अच्छा अच्छा चौथी है जी, सो धर्मेंद्र की, दो इंद्र की आए हैं, एक सो धर्मेंद्र की है पहली, राकेश जैन, संदीप, 177 लो जी, राकेश जी चलो, सो धर्मेंद्र आ जाओ, बहुत बढ़िया महामंत्री, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा, अच्छा एक लास्ट रह गई जी अभी, एक इंद्र की, भगवान के रथ पर चमर ढुराएंगे दोनों इंद्र, हाँ जी आया कोई उनके यहाँ से, वो खड़े बैठी ना मैडम, अभी बैठे थे ना केसी जैन की वाइफ, केसी जैन से नहीं, केसी जैन जी भी आ जाओ आ जाओ, बेटी आएगी, वो बैठी है ना सामने, अनुज आएगा ना, आ जाए पूछ लो भाई, दूल्हे का बेटा जेंट्स, वो आएगा कोई आपके यहाँ से, जेंट्स आएगा कोई, अनुज आएगा, हैं पहले बता दो, आएगा तो ठीक है, नहीं किसी दूसरे को देते हैं, ये धुले वस्त्र पहन के पूछ लेते, नहीं पाता कि नहीं है, क्यों धोती दुपट्टे में तो पाता थे, नहीं पाता कि नहीं पाता, नहीं बोलो, फोन कर रहे हैं जी, फोन कर रहे हैं, इतने दूसरे की तो निकाल रहे हैं, और कोई निकलने नहीं, लास्ट कृपया आपने धोती दुपट्टे और अपना इस तरह से साधन अपनी तैयारी करें, ¡Gracias!
Thank you.
Thank you.
जाओ पीछे हो जाओ।
Thank you.